हमारे जो मीरवाइज थे फारूक साहब, उनकी निधन हुआ था, उनकी कत्ल हुई थी। हमने कहा कि एसआईए की इंटेलिजेंस के जरिए, हमने ऑपरेशन के जरिए हमने पकड़ा और पकड़ के अभी सीबीआई को इन्फॉर्म किया। एवरी ट्रायल 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं। This briefing is basically about एक केस जो 1990 में 21 मई को हमारे जो मीरवाइज थे फारूक साहब, उनकी निधन हुआ था, उनकी कत्ल हुई थी टेररिस्ट के हाथ, हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट के हाथ हुआ था। और वो केस जो है पुलिस स्टेशन नगीन में इसकी केस रजिस्ट्रेशन हुई थी। बाद में वो केस पुलिस स्टेशन नगीन से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई की केस नंबर वगैरह हमने आपको ईमेल के जरिए बता देंगे, तो वो एक लंबा सा नंबर होता है। और वो केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद सीबीआई ने स्पेशल डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट जो दिल्ली में है, वहाँ पे उन्होंने एक कातिल को, एक अक्यूज्ड को सजा दिलवाया। उसमें कन्विक्शन हुई, कोर्ट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया, उसको उम्र कैद उसके खिलाफ जो है घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि इसमें 5 अक्यूज्ड थे, तो 5 अक्यूज जो थे उसके गिरोह का जो कमांडर था वो था अब्दुल्ला बंगरू। पर जब केस ट्रायल हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद, सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था, वो था आयुब डार। तो आयुब डार के खिलाफ लंबा केस चला और केस जो है FIR नंबर 61-1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में ख़त्म हुआ। यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, आयुब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया। और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, देवर ऑल अपस्कंडी। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है, इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि देवर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू हु वॉज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, ही वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और आयुब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट, रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला। दूसरा जो है वो जोहर अहमद भट्ट, कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले हैं। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफ़ी दिन छिपके रहे इधर उधर, तो आज उनको पकड़ा गया है और सीबीआई टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 1 जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर हिज दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अपस्कंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है, सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। इतना ही कहना था आज की प्रेस ब्रीफिंग में। मैं आप सब लोगों को पीसीआर की ईमेल की एड्रेस लिस्ट में आप होंगे जरूर,
तो पर फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। जावेद अहमद भट्ट कोड अजमल खान सन ऑफ लेट हबीबुल्ला भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनाबाला एट प्रेजेंट आजाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर। दूसरे का नाम है जहूर अहमद भट्ट। एक्चुअली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जहूर है जो बेडरूम में गया था। कोड बिलाल सन ऑफ लेट मोहम्मद रमजान भट्ट रेजिडेंट ऑफ डंडरकशा इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली बटमालू श्रीनगर। तो ये SIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंटेलिजेंस जनरेट हुआ था, तो इस इंटेलिजेंस को आगे डेवलप करके हमने अभी CBI की मदद कर दी, उनकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ के उनके हवाले कर दिए ताकि वो जस्टिस के सामने आए, जस्टिस फेस करें और बाकी की जो ट्रायल है वो जो ट्रायल से भाग गए थे अब वो ट्रायल को सामना करें। सर, कहां से पकड़ा गया है और क्या CBI ने पकड़ा? हमने कहा कि SIA की इंटेलिजेंस के जरिए हमने ऑपरेशन के जरिए हमने पकड़ा और पकड़ के अभी CBI को इन्फॉर्म किया। CBI की टीम आ चुकी है, अब उनको हमने हैंड ओवर कर चुके हैं, अब वो ले जाएंगे, उनकी बाकी की कार्रवाई वो आगे करेंगे। सर, ये पाकिस्तान से कश्मीर कब आए? ये सारी डिटेल्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन वो आगे करेंगे, अभी वो हम आपको प्रेस ब्रीफिंग में इतना ही कर पाएंगे, बाकी जो है वो करेंगे।